जीवित परमेश्वर पिता हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की सुबह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। ओ मॉर्निंग प्रेयर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य, बड़ाई की योग्य, प्रशंसा की योग्य मेरे प्रभु जी। हमको जीवित रखने वाला, हमको बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला, हर एक पापों से, श्रापों से, बंधनों से प्रभु, हर चीजों से प्रभु हमको आप निकालने वाला मेरे प्रभु जी। मैं आपको नाम को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आई सभी मसीह भवन, धन्यवाद करें कुछ क्षण, धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह आज आपके मेरे प्रिय जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर आपको हर कष्ट में, हर दुख में, हर मुसीबत में आपको स्थिर रखेगा। आपको मेरे प्रिय भटकने नहीं देगा, आपको निराश और हताश नहीं होने देगा, लेकिन वो परमेश्वर आज आपको संभालेगा। वो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। वो परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति और स्थितियों को सुधार देगा और आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। हालेलुया, यस 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 यस। ओ मेरे महान परमेश्वर पिता, धरती और आकाश को बनाने वाला, सारे सृष्टि को रचने वाला मेरे प्रभु जी, सारी सृष्टि को गढ़ने वाला, बनाने वाला, असंभव को संभव में बदल देने वाला मेरे प्रभु जी, दया करो, दया करो। यस यस, परिस्थितियां बदलने पाए, स्थितियां सुधारने पाए, आज दया करो मेरे परमेश्वर पिता। यस यस, दयालु प्रभु जी आपको नाम में धन्यवाद करता हूँ। दयालु परमेश्वर पिता आपके नाम को मैं धन्य और धन्य कहता हूँ मेरे प्रभु जी। ओ जयकार हो, जयकार हो। आज की पवित्र ओ सुबह के लिए धन्यवाद, आज की इस दिन के लिए धन्यवाद। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग धन्यवाद करें, सभी लोग धन्यवाद करें। प्रभु को पुकारे, प्रभु को ढूंढे, प्रभु को खोजें। आज प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर के निकट में जाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। वो परमेश्वर हमको स्थिर रखता है, परमेश्वर हमको भटक नहीं देता। कई बार क्या होता है, हमारी समस्याओं को मेरे प्रभु बड़ा बड़ा माने लगते हैं, हमारी समस्या को हम बड़ा कर देते हैं। उसके चलते क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे जो है परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के दुख और कष्ट और मुसीबत आते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई, आप ध्यान रखो, प्रभु आपके साथ में, प्रभु आपके निकट में है। वो परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान में बैठेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए, कहता है परमेश्वर वचन। हाँ मेरे प्रिय मसीह, आप परमेश्वर के शरण में है, परमेश्वर के ठिकाना में है, परमेश्वर के पास में है। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह आज आपको, मेरे प्रिय मसीह बहन, जहां भी हो, जिस भी स्थिति, जिस भी परिस्थिति में हो, वो प्रभु आज आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता। ओ मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हर एक जन के जीवन से प्रभु आप बोला और बातचीत किया मेरे प्रभु। हर एक जन के आत्माधिपान के आपने बोला और बातचीत किया। और पिता आज हर एक जन को प्रभु जी हर कष्ट में, दुख में, मुसीबत में वो प्रभु जी स्थिर रहने पाए पिता, भटकने ना पाए, गिरने ना पाए वो प्रभु, समस्याओं से प्रभु जी वो दूर होने पाए पिता, वो समस्याएं प्रभु आज यीशु के नाम से जाने पाए प्रभु जी, हरेक अंधकार की शक्तियां निकलने पाए मेरे प्रभु जी। यस यस यस। ओ मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, सारे सृष्टि के मालिक मेरे महान प्रभु जी, आपके नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपके नाम की आराधना करता हूँ। यस मेरे प्रभु जी, ओ दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद। यस यस, आपके वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई त्राई में से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, कहता है। सचमुच में आप मेरे प्रियो कितनी बड़ी परिस्थिति में रहे, जिस प्रकार आप देखेंगे मेरे प्रियो, आप दानियल को देखेंगे, एलिया को देखेंगे, आयुब को देखेंगे, वो उसके जीवन में कितने भी परेशानियां था, कितने भी जो है दुख, जो है संकट था, मुसीबत था, उसकी गधा घोड़ी, उसके भाई बहन, रिश्ते नाता सब खत्म हो गया था, यहां तक उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भवन, परमेश्वर में उन्होंने विश्वास में अडिग रहा, परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है विश्वास में जो है बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया। परमेश्वर जो है, परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रिय मसीह भवन। लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देना है। प्रभु यीशु मसीह आपको हर कष्ट में, दुख में, संकट में, मुसीबत में, परेशानी में आपको परमेश्वर यह बात ध्यान करता है, याद करता है, वो कभी भूलता नहीं है। वो वचन में लिखा है, जन्माने वाली माता तो भूल जाएगी और वो छोड़ भी देगा, लेकिन मैं तुमको कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, कहता है वो परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमको बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए
आप मेरे प्रियो उस जिंदा परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर से आप कहें, परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है, सचमुच में वो परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियां और स्थितियां बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया यस यस यस। ओ पराक्रमी परमेश्वर पिता मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया, बदल दो यस यस, बदल दो मेरे प्रभु जी, बदल दो बदल दो बदल दो यस, चंगाई और छुटकारा दो, जीवन दो और बहुतायत का प्रभु जीवन मिलने पाए, बहुतायत का प्रभु जी आज जीवन मिलने पाए, तेरी महिमा करते हुए प्रभु, तेरी आराधना करते हुए, बड़ाई करते हुए, जयजयकार करते हुए वो लोग आगे बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी, हर समस्या में, हर दुख में, हर कष्ट में प्रभु वो स्थिर रहने पाए पिता। परमेश्वर आज आपको स्थिर करने वाला है, परमेश्वर आज आपको मेरे प्रभु आपके विश्वास की रक्षा करने वाला है, आपको मेरे प्रभु अपने विश्वास में मजबूत करेगा वो परमेश्वर, आपको मेरे प्रभु परमेश्वर यह बहुतायत से आशीष करेगा, वो बहुतायत से परमेश्वर यह आपकी जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। इससे पहले आप ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में होकर आप प्रभु को पुकारें, प्रभु को ढूंढें, प्रभु को खोजें। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर सभी जन की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, आज आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आज आपकी भी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए आप मेरे प्रभु ना किसी मनुष्य पर भरोसा करें, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और वो भी मेरे प्रभु एक न एक दिन सब लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रभु वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, सारी सृष्टि का मालिक है। मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारा विश्वास और हमारा प्रभु जी रक्षा और सुरक्षा, और हमारा प्रभु जी विश्वास और भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होने पाए पिता। हम प्रभु जी ना किसी प्रधानों पर भरोसा करें, ना किसी आदमी पर मेरे प्रभु जी, उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है पिता। सचमुच में मेरे प्रभु, सचमुच में मेरे राजा, तू आज बदल दे हर जन की परिस्थितियां, स्थितियां आज सुधर जाए मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज हर एक जन की प्रार्थना को सुना है, हर एक जन की परिस्थिति और स्थितियों को तू बदला है मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया यस, मेरे राजा राजा, हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया यस यस यस, असंभव को संभव में बदल देने वाला ओ प्रभु जी, विश्वास में पक्का और मजबूत करने वाला मेरे परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ, मैं आपके नाम की आराधना करता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया यस, मेरे प्रभु जी आज बदल दिया यस, मेरे परमेश्वर पिता आज चंगाई दिया है मेरे प्रभु यस, मेरे परमेश्वर पिता आज हर एक जन की परिस्थिति और स्थितियों को तू बदला है मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक जन को तू नया जीवन दिया है, हर एक जन को तू ऊंचे और ऊंचा उठाया है प्रभु जी, उनकी प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थनाओं की ओर अपने प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु अपने ज्योति को, अपने प्रकाश को तू चमकाया है मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। सामर्थ्य यह हुआ जिंदा खुदावन, तू दया कर अपने लोगों पर तरस का प्रभु जी, और वो कई बार भटक जाते हैं पिता, संसार की ओर मन लगाने लगते हैं, संसार की ओर भटक जाते हैं, संसार में उनका विश्वास उनका भरोसा होने लगता है पिता, लेकिन आज तू मेरे प्रभु जी उनके प्रभु जी आत्मा को, उनके प्रभु विश्वास को तो स्थिर रखना, मजबूत रखना पिता, क्योंकि वचन में कहता है जो कोई परम प्रधान की छाया विस्तार में बैठ रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, अर्थात शरण पाएगा, बल पाएगा, वो परमेश्वर आज आपके जीवन से बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया मेरे राजा राजा, धन्यवाद 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 यस, असंभव को संभव में बदल देने वाला विश्वास में प्रभु, हर एक जन को बदल दो प्रभु जी, बदल दो यस यस यस, उद्धार करता परमेश्वर दया करो दया करो दया करो यस, हर एक परिस्थितियां बदलने लगे आज, हर एक प्रभु जी बंधन है आज यीशु के नाम से प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारी समस्या सारे अंधकार की ताकत आज खंडन होने पाए और सारी परिस्थितियां बदलने पाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज बदल दिया, हर एक जन को छू लिया, हर एक जन को चंगाई और छुटकारा दिया है मेरे प्रभु, हर एक परिस्थितियां स्थितियां बदला है मेरे प्रभु जी, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया यस मेरे प्रभु जी यस यस यस, बदल दो प्रभु यस, बदल दिया पिता, और विशेष प्रार्थना करता हूँ चाहे बच्चा हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो मेरे परमेश्वर पिता, उनका विश्वास अटूट रहने पाए पिता, और वो हर प्रभु जी कष्ट में, हर दुख में, हर संकट में वो प्रभु जी परमेश्वर पिता स्थिर रहने पाए, मतलब मजबूत रहने पाए, उनका विश्वास भटकने ना पाए, वो प्रभु जी कभी आपको छोड़कर प्रभु जी अन्य देवी देवताओं पर आराधना ना करने पाए, वो प्रभु जी अन्य ऐसे तंत्र मंत्र जादू टोनाओं पर भरोसा ना रखने पाए पिता, लेकिन प्रभु
तुझ जीवित परमेश्वर पर भरोसा करके वो आगे बढ़ने पाए, तुझ जीवित परमेश्वर पर जो है आगे बढ़ वो भरोसा करके आगे चलने पाए मेरे प्रभु जी। ऐसे तू दया कर, ऐसे तू कृपा कर मेरे प्रभु जी, समझ और बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकत दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता एक एक जन की परेशानियां, एक एक जन की दिक्कतों प्रभु तू बदल दे और हर एक जन को छुड़ा और बचा मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक एक प्रभु जी लोगों के जीवनों को, मन को बदला है। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक प्रार्थना को आपने सुना है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं कोटि कोटि और लाख लाख बार आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। और आज जहाँ भी जाए, जिस भी स्थिति परिस्थिति में रहे पिता, उनका विश्वास कभी भटकने न पाए, उनको कोई भटकाने न पाए, कोई उनको बहकाने न पाए, वो कोई प्रभु तुझे ओ तेरे संगति से प्रभु का अलग ना करने पाए पिता, ऐसा अटल विश्वास उनके अंदर रहने पाए पिता, अटल विश्वास वाले पाए प्रभु। आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप ब्लेस करो, सहायता और मदद करो, और पिता हर जन पिता चंगाई और छुटकारा देना, तेरी महिमा के लिए उनको ऊंचा उठाना मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों को आज पिता, सुबह के बेला में अगुवाई करना और प्रभु प्रभु परमेश्वर पिता उनके सारे आत्मदीपणों को आप प्रभु जी बचा कर रखना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप उनको स्थिर किया और प्रभु मजबूत किया, उसके धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।